अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से मदीना मुनव्वरा पहुँच गया था, लेकिन लेट नाइट पहुँचने की वजह से हरम शरीफ में नहीं जा सका। तो अब इंशाल्लाह फजर की नमाज़ हरम शरीफ में अदा करनी है और मैंने कोशिश की थी कि रियाजुल जन्नत और सलाम पढ़ने के लिए रोज़ा पाक के लिए मैंने लाइसेंस की काफ़ी कोशिश की, अब तक तो नहीं निकला, लेकिन इंशाल्लाह एक दोस्त हैं सैफुल हक भाई, इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि तुम्हें निकाल के दे देंगे। तो इंशाल्लाह जोहर के टाइम, जुम्मे के टाइम कोशिश करूँगा कि रोज़ा पाक की तरफ भी जाऊँगा, लेकिन आज इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे और ज़्यारत इंशाल्लाह करेंगे गुम्बद खज़रा की। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हरम शरीफ की तरफ चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है रिंग रोड, हरम शरीफ के अतराफ में जो रिंग रोड गुज़रता है वो ये है, और रिंग रोड के नीचे से, इस पुल के नीचे से जब हम गुज़रते हैं तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके वो एंड तक, ये था खजूर मार्केट। कोरोना के दौरान इस खजूर मार्केट को ख़त्म किया गया। अगर आप पुराने हैं, पुराने आने वाले हैं, जाने वाले हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो एरिया था ये था खजूर मार्केट। सुभान अल्लाह, अब तो ख़त्म कर दिया गया, ये था खजूर मार्केट। ये चले, अब हम हरम शरीफ की तरफ चलते हैं। ये जी मैं मस्जिद अल गमामा के पास पहुंच चुका हूं और इस तरफ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम शरीफ, अल मस्जिद अल नबवी शरीफ। माशाल्लाह तबारकल्लाह, कितना प्यारा मंज़र। मुझे मिला ही नहीं परमिट, मैं समझ रहा था कि जो परमिट है, जैसे हम मक्का मुकर्रमा में जब दिल चाहे अज़ान भी हो जाए ना मक्का मुकर्रमा में, और आप नमाज़ पढ़नी चाहते हैं हरम शरीफ में, तो आप उसी टाइम अज़ान होने के बाद आप जो हैं परमिट ले लें और हरम शरीफ में दाखिल हो जाएं। उसी चक्कर में था मैं कि कोई मसला नहीं, जाके ले लूँगा, इरादा भी अचानक बना और जहन में भी यही था कि जाके ले लूँगा मैं इंशाल्लाह। यहाँ आके पता चला कि नहीं, वो तो कई कई दिन सोल्ड आउट होता है, फिर आगे के जो दिन हैं उनमें मिलती है नमाज़, क्या कहते हैं, रियाजुल जन्नत में। अगर रियाजुल जन्नत में नमाज़ पढ़नी है तो महीने में एक दफ़ा आपको परमिट मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। और लेकिन सलाम पढ़ने के लिए आप रोज़ाना डेली ले सकते हैं, मगर मसला ये है कि आज है जुमेरात, आज है जुम्मा और जुमेरात को मैं आया हूँ, तो वीकेंड की वजह से सोल्ड आउट है। बाकी अल्लाह ताला खैर करेंगे इंशाल्लाह।
لا حول ولا قوة إلا بالله. सोशल डिस्टेंस के लिए स्टिकर लगाए हुए हैं, लेकिन एक चीज़ की जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा कर ली फजर की नमाज, बाबे बिलाल से बाहर निकल रहा हूँ और माशाल्लाह आप देख रहे हैं, ये इस तरफ है बाबे जिब्रील और इस तरफ से है बाबे निसा। ये बाबे निसा है, बाबू निसा मतलब औरतों का दरवाज़ा, और ये बाबे जिब्रील, और ये है जी माशाल्लाह तबारकल्लाह गुंबद खजरा। आगे चलते हैं, आगे चल के हम ज़ियारत करते हैं, और इस तरफ है बाब अल बकिया। सलाम पढ़ के जब निकलते हैं तो इस दरवाजे से निकलते हैं बाब बकिये से। सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलात वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलात वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सहबिही अजमईन। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सहबिही अजमईन। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد. ये जनाजा लेके जा रहे हैं।
ये है जी माशाल्लाह तबारकअल्लाह गुंबद खजरा। और सलाम मैंने जो है बस थोड़ी ही देर पड़ी और वो जनाजे नज़र आ गए, तो मैंने सोचा कि चलो कंधा दे लें, शायद अल्लाह ताला इसी एक छोटी सी नेकी की वजह से ही हमारी मग़फ़िरत कर दें। माशाल्लाह तबारकअल्लाह। सुभानअल्लाह, ये सारा बंद किया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये है ट्रैक, सलाम पढ़ने के लिए ज़िग ज़ैग करके सलाम पढ़वाते हैं। बहुत लंबा चक्कर लगता है, इंशाल्लाह जब खोलेंगे, आज जुम्मा है, असर से पहले नहीं खोलेंगे, तो इंशाल्लाह ये भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ की क्या पोजीशन होती है, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो रास्ता अगर इस तरीके से बंद हो ना, इस तरीके से रास्ता बंद हो तो ये काफ़ी लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, और इस तरफ से जाके बाहर निकल के बहुत लंबा चौड़ा चक्कर लगता है। तो नज़दीक करने के लिए लिफ्ट इस्तेमाल कर लें, नीचे चले जाएं, नीचे जाने के बाद आप दूसरी तरफ से दूसरी लिफ्ट से ऊपर चढ़ जाए। ये P2 में, P2 से बाहर निकला और P2 से निकल के ये पार्किंग में आ गए। पार्किंग से हम वो जो सामने वाली पार्किंग है उस वहाँ से हम ऊपर चढ़ जाएंगे और हरम शरीफ की दूसरी साइड पहुँच जाएंगे। देखिए वहाँ से मैं नीचे उतरा था, अब यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे तो हरम शरीफ की दूसरी साइड पे निकल जाएंगे। काफ़ी लंबा चक्कर जो पड़ता है वो इंशाल्लाह चक्कर नहीं पड़ेगा आपको। ये जी हम दूसरी साइड पे आ गए। जैसा कि आपने देखा वहाँ से अगर हमने आना होता तो काफ़ी लंबा चक्कर लगता। अब हम इस तरफ आ गए बाप सलाम की तरफ, वो जो सामने है 6 नंबर गेट, 309 नंबर गेट है मेरा ख्याल, नया, पुराना जो नंबर था वो 6 नंबर था। तो ये थी आज की फजर की नमाज़ मदीना मुनव्वरा के हरम शरीफ में। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हो गई गुंबद खजरा की, तो इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज़ पढ़ूंगा और जुम्मे की नमाज़ भी मैं शेयर करूंगा। तो इजाज़त चाहने से पहले आपसे एक ही गुजारिश करता हूं कि अगर आप नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इजाज़त चाहता हूं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।